जय जगन्नाथ। वेलकम टू दिल्ली बुलवाई। वेलकम अगेन। यो मोस्ट वेलकम एंड ऑलवेज वेलकम। सही है ना? सो भाई मैंने कौन कही भी अपन को बहुत ही मजा आसी रिवोल्ट चले आ पाई। बस आशा कर छु कि बहुत जल्दी जल्दी हम सब सिटी रे आसी जीवो। पूरा इंडिया रे आसी गले मजा। इंडिया को गोटे स्मोक फ्री एनवायरनमेंट हमें गिफ्ट करिवा। सो याद रे पेट्रोल रो खर्च भी नहीं कि हमको धुआं रो टेंशन नहीं, पॉल्यूशन रो टेंशन नहीं, किछि नहीं। प्लस गोटे स्टाइलिश बाइक मिलुची विथ वेरी गुड पावर टॉर्क। मतलब एमती भी नुह जे कि इलेक्ट्रिक बाइक आउ बोरिंग से भी नुह। इलेक्ट्रिक बाइक आउ इंटरेस्टिंग, दैट इज रेवोल्ट। दिस इज डेफिनेटली ए रेवोल्यूशन यार। बहुत सही बाइक है, बहुत सही बाइक। सस्पेंशन पूरा अमेजिंग, टायर्स भी बहुत बढ़िया, बहुत ग्रिपी टायर्स। MRF जापर आसुच्छे तो जापर गोटे एडवांटेज यहाँ जो आप भल रोड भी चल पारे। आउ जो आम सिटी भितर जो खराब खराब रोड्स अच्छे से भी चल पारे, किसी प्रॉब्लम ना। मैंने अफ रोड भी हो, सॉफ्ट नो, बेसी सॉफ्ट नो कि बेसी हार्ड नो, मीडियम कंपाउंड। यार मेंटेनेंस देखिया पड़ो, बेसिकली इलेक्ट्रिक बाइक रो बेसी किसी मेंटेनेंस रुहे नहीं। बस ये रेगुलर ग्रीसिंग फिसिंग जदि हम हम आउ ना किसी नो। मोटर तो पूरा मोटर लाइफ बहुत बेसी रुहे। बैटरी तो लाइफ से कौन 1500 चार्ज मैंने 1500 चार्ज साइकिल मैंने कम से कम आप 10 वर्ष पल। सो भाई मैंने मुझको बहुत जल्दी जल्दी किसी इनफर्मेसन देदेवी ये रिवोल्ट जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अच्छे विषय में। आदि आपको पूरा डिटेल्ड रिव्यू दरकार तेल मोर प्राइमरी चैनल जो मोर बुलू बाइकर हिंदी चैनल अच्छे से जाकि देखिपारे। तो ये किसी पॉइंट्स आपको बस बुझे दूसरे आम जेसन पाजी पाक पलैवा। तो प्रथम जिनस हूँ ये बाइक्र प्राइस विषय जब आप जाना चाहते तो यार दुटा मॉडल अच्छी, गोटे रिवोल्ट 300 अच्छी आ गए रिवोल्ट 400 अच्छी। तो 300 टी कम पावर वाला कम रेंज वाला बाइक। तो तार प्राइस जहाँ मैंने कंपनी हमको शो करते 2999 EMI भाया प्लां आ कि इंटरेस्ट नहीं, किसी नहीं। 37 months आप पे करेंगे कलापर जो बाइकटा आपंपर पूरापूरी आपको पे करा पड़ोनी। सो 37 months हिसाब से जब क्याकुलेट करा पाखापाखी 1.1 lakhs आसो रिवोल्ट 300। आउ जदि आम रिवोल्ट 400 देखा सेम 37 months आमको पे करा पड़े, बट 3999 जोटा क्याकुलेट कले पाखापाखी 148,000 भाया आसी जाऊँच। तो यहाँ हूँ तर कस्ट। आ रिवोल्ट 400 रो बैटरी बैकअप बेसी, मैंने रेंज बेसी, पावर बेसी, तो टी बेटर मेसीन डेफिनेटली आपको कही पारे। बर्तमान आम आसवा जी यार सर्विस कौन। तो कंपनी आपको सबुठ बड़ जिन जो दूसरी जोटा कि मैंने इलेक्ट्रिक बाइक आ स्कूटर जो गोटे प्रॉब्लम था हूँ बैटरी। आमको सब यह फिल हुए बैटरी मैंने 3-4 वर्ष पर रिप्लेस कराया पड़े। बैटरी कॉस्ट व्हीकल मैंने बाइक अधा कॉस्ट हो, किंतु यही आपको सब बड़ पीस ऑफ माइंड मिले ये रिवोल्ट बाइक सागे जे आपको जो बैटरी अच्छे लाइफ टाइम वारंटी अच्छी, किसी टर्म्स कंडीशन किसी ना। लाइफ टाइम जब भी आपको बैटरी खराब हम आपको कंपनी रिप्लेस करदेव, तो से किसी प्रॉब्लम ही ना। बाकी फ्री सर्विस जब कथा तो 3 वर्ष पूरा कंप्लीट फ्री सर्विस अच्छी, जो कि आपको गोटे सिंगल पैसा देवा पड़ोनी। इनफैक्ट आपंकर जब इवन ब्रेक पैड मैंने सरी जाऊँगी टायर भी खराब होता भी कंपनी आपको रिप्लेस कर 3 वर्ष बा 75,000 किलोमीटर आई गेस। हाँ प्राय 75,000 किलोमीटर भितर। तो सहीटा होगा आप सर्विस। आपड़ जब मतलब पचार बैटरी रेंज के किलोमीटर आम चलते। तो रिवोल्ट जो मोटरसाइकिल तरह 3 मोड अच्छी। सबुठ भल मोड जोटा से मैंने जो थे आपको बेसी जब रेंज दरकार हो तो से आपको पाखापाखि 156 किलोमीटर रेंज आसो, 156 किलोमीटर रेंज। आउे स्पीड कंप्रोमाइज हो मैंने टी आपको धीरे चलाइए पड़ो 40-45 स्पीड में। आ सब भल मोड जो मैंने एक्चुअली 3 मोड अच्छे। सब भल मोड जोटा जो थे कि बहुत बेसी पावर डेलीवर हम से मोड 3। आते आपको पाखापाखि 80-85 रेंज आसो, आ किलोमीटर भी 85 किलोमीटर पर आवर जीव। तो रिवोल्टर बाइक जोटा से एक्चुअली 85 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड में लॉक करा जाए, कारण इंडियन गवर्नमेंट बहुत रूल्स रेगुलेशन अच्छे इलेक्ट्रिक बाइक रे मैंने कौन आप मैंने मैक्सिमम एत स्पीड दे पारे नहीं, बहुत गुड रेस्ट्रिक्शन अच्छे। तो सहीटा को लेकिन से 85 किलोमीटर पर आवर में लॉक कर मे बी फ्यूचर जब आम रूल्स आ लॉज चेंज है तो अपग्रेड करदे। तो सहीटा हो गला। नेक्स्ट आसा चार्ज हे को ये बैटरी पूरा पूरा चार्ज होने पर आपको 4-5 घंटा लगे, ताकि बेसी ना बास से। आउपर आसगे आपंकर कि डेलीवरीज। तो बर्तमान कौन होना रिवोल्टर खाली से बाइक बिकुंते से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करते। एक्चुअली आदि गोटे बढ़िया इंटरेस्टिंग जिनस यहाँ अच्छे जदि आप भावन आप घर बाहर जाइए आपको बैटरी मैंने पावर सरी जाइए अल्प अच्छी। तो रिवोल्टर गोटे सिस्टम अच्छे स्विच बैटरी। तो से कौन करेंगे ना आप आपटा को
ସୋ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ରିଭୋଲ୍ଟ ରିଭୋଲ୍ଟର ଯେଉଁ ଆପ୍ ଅଛି ସେ ଆପ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ନିୟରେଷ୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍ ସେଣ୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ବାଇକ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ସେଇଟା ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେବେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ବ୍ୟାଟେରୀ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟେରୀ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଡ୍ରେନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ନେଇକି ଆପଣ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ। ତ ଯେମିତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟେରୀର ଲୋକେସନ୍ ଏଇଠି ଅଛି, ଯାହା ବି ହଉ ତ ଏଇଆ ଲଗଭଗ କିଛି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଆର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ବ୍ଲୁ ବାଇକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ବି ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୋ ଭାଇମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ? ତ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଡେଲି, ଆଉ ଏଇଠି 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 ଏଇ ଇମେଜ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ବୁଲେଇ ଦେବା ଟିକେ କ୍ୟାମେରା, ଆମେ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଡେଲି ବୁଲୁଭାଇ, ୱେଲକମ୍ ଅଗେନ, ୟୋ ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ ୱେଲକମ୍। ମୋର ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟର ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ମଜା ହୋ ରହା ହୈ ଇସ ବାର। ୟେସ, ସୋ ଜୈସନ ଭାଇ ଇଏ ବୋଲନା ଥା କି ୟାର ଲାଷ୍ଟ ବାଲା ଯୋ ଭିଡିଓ ବନାୟା ଥା ଉସକି ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ରହା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଝେ ବିଲିଭ ନହିଁ ହୋ ପାୟା କି ଆପକି ଇତନେ ସାରେ ଭିୟର୍ସ ହୈ ୱହାଁ ପେ। ସିରିୟସଲି ମିଟ୍ଅପ୍ କରେଂଗେ ୱହାଁ? ଡେଫିନେଟଲି କରେଂଗେ। ଚଲୋ ପ୍ଲାନ ଆ ମିଟ୍ଅପ୍ ୱି ଗୋନା ଡୁ। ମିଟ୍ଅପ୍ କରେଂଗେ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆଲସୋ ରାଇଡ। ଡେଫିନେଟଲି ୱହାଁ ପେ ରାଇଡ କରେଂଗେ। ୟେସ ୟେସ, ମେରେ ଲିଏ ଟୋଟଲି ଅନଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ଡ ପ୍ଲେସ ହୈ। ରାଇଡ। एंड आई विश ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मैं उधर आऊं, आप लोगों से भी मिलूं और राइड भी करूं। राइड भी साथ साथ करेंगे। yes. so, वही है बात। और हमारे साथ नया गेस्ट भी है, खन्ना जी को तो आप जानते ही हो। खन्ना जी तो पुराने हो गए। नया गेस्ट है, अभी मत बोलिए कि यार खन्ना जी की गर्लफ्रेंड है। मजा कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। मैंने वो रेफरेंस वो कमेंट से ही लिया। सो इनके नाम है प्रतीक्षा। सो इनकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है रेसर चिक। राइट, रेसर चिक। सो आप फॉलो कर सकते हैं। ये बस और ट्रक चलाती है। अरे हाँ, आपको वो देखना है। एक्चुअली जैसन पाजी का वीडियो शायद आप लोग देखे होंगे कि शी हैज इनफैक्ट टेकन ए ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ बस एंड ऑल्सो बस चला चुके हैं। आप जस्ट इमेजिन मुंबई में जहाँ इतना ट्रैफिक होता है एंड द पब्लिक प्लेस इन द ट्रैफिक लाइक रियल टाइम सिचुएशन। राइट, सो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। राइट राइट, बट एनीवेज मतलब इतना ही कहना चाहेंगे कि देखो यार, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होती है फीमेल्स के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। इसी तरीके से जहाँ से इन्होंने डीएल लिया, ड्राइविंग लाइसेंस लिया, उस चीज का वहां पे 1000 सीट्स होता है वुमेन्स के लिए, बट ये पहली वुमेन है मुंबई की जो बीएसटी जो बसेस चलती है उसके अंदर में ऑफिशियली एक ऑफिशियल लाइसेंस ग्रैब करने के लिए। तो दैट इज अ बिग अचीवमेंट। ये खन्ना जी कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं, समझ रहे हैं? फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं, कुछ खाना पीना करेंगे, फिर उसके बाद एक घंटे में मेरा फ्लाइट है, तब तक पाजी कुछ एंजॉय करते हैं। पक्की बात है, ढाबा चलते हैं। ढाबा चीज ऑमलेट, लेट मी टेक यू टू द ढाबा। चीज ऑमलेट, चीज पराठा, दैट पिज्जा पराठा एंड द चाय। ସୋ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଅଛୁ ଢାବାରେ, ଆଉ ଏଇଠି କୁଛ ମଜେଦାର ଚିଜ ହୋନେ ବାଲା ହେ। ବହୁତ ମଜେଦାର ଜଗା ହେ ବେସିକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ମେ। ରାଇଟ, ଏଣ୍ଡ ଦିସ ଇଜ ଅ ପ୍ଲେସ ୱେର ଲାଇକ ହମ ବାଇକର୍ସ ବୈଠତେ ହେ, ପ୍ଲାନିଙ୍ଗ କରତେ ହେ ଫର ଦ ରାଇଡ ଫର ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଆଜ ୱେଲ। ରାଇଟ, ଏଣ୍ଡ ଦ ଭେରି ସେମ ଟାଇମ ୱି ହାଭ ଗୁଡ ଫୁଡ। ଗୁଡ ଫୁଡ, ସୋ दोनों चीज बढ़िया हो जाता, मजा हो जाता है। यू कैन सिट, रिलैक्स, एंजॉय, ईट, प्लान एंड एग्जीक्यूट। सो अगर दिल्ली आते हो तो डेफिनेटली शेरे पंजाब। बिल्कुल बिल्कुल, शेरे पंजाब ढाबा, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया। कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, राइट। देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस अराउंड। ओके, फेमस जॉइंट फॉर बाइकर्स, सही है, जेनेरिक पब्लिक। यस, सो बहुत बहुत धन्यवाद भाई मैंने। आशा करछि कि आपन मानको वीडियो बहुत पसंद आस्तबो। सो जदि वीडियो भल लगे तो डेफिनेटली लाइक, शेयर आउ सब्सक्राइब करूँ चैनल को। जय जगन्नाथ।